सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आप सभी जैसे जानते हैं कि हाल ही में एक हमारे पास खबर आई है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे जो छात्र है, हमारे जो प्यारे प्यारे छात्र है, उनका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया, यानी 25% यानी 25% कम कर दिया गया है। तो हमने ऑलरेडी आपको कुछ सब्जेक्ट्स के जो रिड्यूस सिलेबस आपके साथ शेयर कर दिए है। अब हम डिस्कस करने हैं साइंस वन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट हमारे ग्रेट ट्रोल्स बोईसर के लिए जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम आ गए हमारे सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है, पहले सॉरी टॉपिक कह रहा हूँ मैं, चैप्टर के ऊपर, जो आपका ग्रेविटेशन। ऐसे ही करके हमारे जो 10 chapters है, हमारे 10 chapters है, वो हम क्या कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेविटेशन पे क्या रिड्यूस है, ग्रेविटेशन पे यूज ऑफ ICT आप देख सकते हो, फिर उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है साइंटिस्ट का वो, फिर उसके बाद ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स वाला पूरा पेज ही कैंसिल है दोस्तों, आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों आपको। फिर इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट फिर से कैंसिल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पूरा न्यूमेरिकल है वो भी क्या कैंसिल है दोस्तों, न्यूमेरिकल यानी डेरिवेशन था वो भी कैंसिल है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी कैंसिल हो गया है आप लोगों का। फिर आपका मास एंड वेट वाला जो टॉपिक था वो भी कैंसिल हो, फिर उसके नीचे जो ब्लू कलर में एक टॉपिक था वो भी कैंसिल, ग्रेविटेशन वेव्स भी कैंसिल, आपको नहीं पढ़ना ग्रेविटेशन वेव्स, डू यू नो, तो आपको पता ही कैंसिल हो रहा है लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे आगे कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है पीरियडिक क्लासिफिकेशन। पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो पहला का टॉपिक और जो क्वेश्चन नंबर थे वो भी क्या कैंसिल हो चुके हैं। फिर उसके बाद आपका ये पिंक बॉक्सेस वाला लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का जो टेबल था वो भी क्या कैंसिल हो गया है दोस्तों। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू द साइंसेस जिमरिटी मेंडलीव का जो इंट्रोडक्शन था वो भी कैंसिल है, यूज योर ब्रेन भी कैंसिल है आप लोगों का, यानी जो भी येलो चीज है येलो हाईलाइट किया दोस्तों वो कैंसिल, आपको नहीं पढ़ना आपके एग्जाम के लिए, इस वर्ष के एग्जाम के लिए, इस वर्ष के एग्जाम के लिए। और यूज योर पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये भी कैंसिल है आपका, और फिर ये भी क्या चीज कैंसिल है आपकी। फिर डू यू नो यूरेनियम, ये भी कैंसिल हो गया आपका। फिर पीरियोडिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का क्वेश्चन 1, 2, 3 ये भी कैंसिल हो गया आपका पूरा। फिर वापस 1, 2, 3 क्वेश्चन है वो भी कैंसिल है। फिर यहाँ पे जो बॉक्सेस में दिए और डू यू नो कैंसिल है, आपको पता है पिछले 2 chapters में आपने देख लिया। चैप्टर नंबर थ्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कैंसिल, केमिकल रिएक्शन वाला जो पैराग्राफ है पूरा कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पे अब आएंगे हम, यहाँ पे कुछ है नहीं। और फिर उसके बाद हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका ये भी कैंसिल हो चुका है। क्वेश्चंस जो आपका आते बीच बीच में वो भी कैंसिल हो गए हैं। और यहाँ पे 1, 2, 3 फिर से जो एक्सपेरिमेंट था वो कैंसिल हो चुका है। कैन यू रिकॉल, ये भी कैंसिल है दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट जैसा मैं कह रहा हूं आपका कैंसिल है, क्वेश्चंस भी कैंसिल हो चुके हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैंसिल हुआ है दोस्तों, रिड्यूस हो चुका है आपकी सिलेबस से। डू यू नो का येलो वाला बॉक्स, सॉरी पिंक वाला बॉक्स, ये भी पिंक वाला बॉक्स, और ये क्वेश्चंस आपके कैंसिल है। और यहाँ पे ये भी चीज क्या, सॉरी ये इतनी चीज ये भी क्या कैंसिल है दोस्तों, ठीक है। और डू यू नो भी ये भी कैंसिल है, और यहाँ से लगभग सारी चीजें कैंसिल हो। आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चैप्टर थ्री में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरा आधा का आधा पेज कैंसिल हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे थिंक अबाउट इट ये भी कैंसिल है आपका, ऑलवेज रिमेंबर ये भी कैंसिल है। फिर फाइंड आउट ये भी आपका कैंसिल है। डू यू नो सॉल्व एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स दोस्तों ये भी कैंसिल हो चुकी है आपकी इलेक्ट्रिक करंट के लिए। इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट ऑलवेज रिमेंबर कैंसिल है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका आता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी पूरी तरह से कैंसिल है। इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट अल्टरनेटिंग करंट एसी और डीसी, व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक डीसी जनरेटर, ये भी आपका कैंसिल है। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों ये सब चीजें। अब हीट, हीट में आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये भी कैंसिल हो चुका है। और फिर उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट ये भी रिड्यूस हो चुका है। आईसीटी ये भी रिड्यूस है। एग्जाम्पल जो दिया है न्यूमेरिकल्स का वो भी रिड्यूस हो चुका है। तो इसी से हमने क्या हमारा चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे अब हम। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये छोटा चैप्टर, इसमें ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है कुछ। यहाँ पे फिलहाल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैराग्राफ रिड्यूस कर दिए गए हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस जो है वो भी रिड्यूस किया गया है। देखा आपने बहुत छोटा चैप्टर, लेंसेज में भी, लेंसेज में ज्यादा कुछ रिड्यूस नहीं किया दोस्तों, बहुत कम चीजें रिड्यूस की गई है क्योंकि चैप्टर ही बहुत छोटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्सपेरिमेंट था जो रिड्यूस किया गया है। फिर उसके बाद शायद से ही मेरी कोई चीज यहाँ पे कोई चीज रिड्यूस की गई है, देख सकते हो आप लोग। हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा रिड्यूस किया गया है। और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप वाला टॉपिक पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। फिर मेटलर्जी में, मेटलर्जी में क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स रिड्यूस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल रिड्यूस है। फिर उसके बाद केमिकल, ये भी आपका रिड्यूस है दोस्तों। और फिर आपका ये एक्सपेरिमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल्स, ये भी रिड्यूस हो गया है। अब देखेंगे हम ये भी, आपका ये वाला पार्ट भी क्या रिड्यूस है दोस्तों। तो जो रिड्यूस है दोस्तों वो आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि 25% सिलेबस ही आएगा आपके, 25 सिलेबस को हटा के, 25% सिलेबस हटा के आपको एग्जाम में आएगा। ये आपका थर्मिट वेल्डिंग वेडिंग भी क्या रिड्यूस किया गया है दोस्तों। और ये भी आपका ड्यूनो भी रिड्यूस कर दिया गया। अब चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में आप सभी जानते पहले के 3 क्वेश्चन कैंसिल है, यहाँ पे भी क्वेश्चन कैंसिल हो चुके हैं दोस्तों। और उसके बाद जो कैंसिल है वो ड्यूनो आपका पूरा कैंसिल हो चुका है। फिर उसके बाद है आपका ये भी कैंसिल, ड्यूनो भी कैंसिल है आपका। फिर से और देखते हैं, यहाँ पे ज्यादा चीजें कैंसिल नहीं है, देखो न्यूनो कैंसिल है यहाँ पे भी। फिर उसके बाद साइंस अल्कोहल और फ्यूल, तो ये भी आपका क्या पूरा कैंसिल हो गया है। और कैन यू रिकॉल मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स, ये पूरा देखो, पूरा कैंसिल किया, पूरा कैंसिल कर दिया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, स्पेस मिशन में आपका डू यू नो वाला कैंसिल रहेगा, ये जरूरी कैंसिल करना। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन, फिर आपका पहला लास्ट पैराग्राफ, फिर आगे आप देखोगे तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, पूरा न्यूमेरिकल्स, प्रॉपर्स डू यू नो। फिर यहां हमारी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई थी वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। साथ ही साथ विक्रम साराभाई जी के बारे में इंफॉर्मेशन था वो भी रिड्यूस कर दिया गया दोस्तों। सो दोस्तों, इसी से हमारा जो रिड्यूस सिलेबस का जो वीडियो था वो खत्म होता है। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपने बोर्ड एग्जाम के लिए आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट, गिरी ट्यूटोरियल्स भूल सकते जरूर करिएगा दोस्तों।